पूरी दुनिया की एनर्जी इस वक्त हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान की एनर्जी इस पूरे ऑडिटोरियम में नज़र आ रही है। अदरवाइज संडे शाम को 6 बजे जब सारी बैटरीज डाउन हो जाती है, उस वक्त आप इतने जोश के साथ बैठे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है, हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आइए मैं सीधे पैनल डिस्कशन की शुरुआत करवाना चाहता हूं, और जो ख़ास मेहमान इस वक्त डायस पर हैं, आप सब लोग उन्हें जानते पहचानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम में से सब लोग न जानते हों, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नवनीत मुनोत साहब हैं, HDFC म्यूचुअल फंड के MD हैं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि CA फाइनल में आप रैंकिस्ट भी रहे हैं, और इस वक्त जिस कंपनी को वो हेड करते हैं उसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं, लगभग $10 बिलियन के आसपास है, 75,000 करोड़ रुपए। और लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए मैनेज करने का काम नवनीत मुनोत साहब कर रहे हैं। और आई एम श्योर आज से 5, 7, 10 साल पहले शायद नवनीत जी ने भी और हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड्स की साइज इतनी बड़ी भी हो सकती है। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ हैं, नीलेश शाह साहब, प्रेसिडेंट और MD हैं आप कोटक म्यूचुअल फंड के। जो आप सब लोग हैं जिनका एक ख्वाब हो सकता है इस ऑडिटोरियम में, अगर आपको लाइफ में पीछे जाने का एक मौका मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? CA तो आप वापस बनना चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो कुछ हमें इस प्रोफेशन ने दिया है वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, लेकिन आप में से कितने लोग अगर वापस से CA का एग्ज़ाम देना पड़े, आई एम श्योर आप नहीं चाहते होंगे पढ़े। कम से कम मैं तो नहीं चाहता, मैं कैसे बना मैं जानता हूँ। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि CA में आपको गोल्ड मेडल मिले? ये है वो नीलेश शाह जिनकी इंटर में 30th रैंक थी और फाइनल में आपने गोल्ड मेडल लिया। अब आप समझ गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें ऐसे ही अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में नहीं लिया है, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात मैं नवनीत जी के बारे में बताना भूल गया, नवनीत जी भी CA फाइनल में रैंकिस्ट रहे हैं, एक बार फिर से उसके लिए भी तालियां बनती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पायोनियर मधुसूदन कैला साहब हमारे साथ हैं, और मधु सर तब से इंडस्ट्री को देख रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब जब म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानता नहीं था, समझता नहीं था, और आज उन्होंने खुद अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की है और बहुत ही सक्सेसफुल है। हिंदुस्तान हो या ग्लोबल फैक्टर्स हो, बैलेंस शीट देखना हो या एक्सेल शीट बनानी हो, मधु सर का कोई सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का स्वागत किया जाए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान में पहली बार ये वर्ल्ड लेवल की समिट CA इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। इसके लिए मैं पूरी इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो ये कि हम सब जानते हैं द ओनली शाइनिंग एंड राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड इज इंडिया, राइट? वाह, ये भी ना बात, वंडरफुल, सो वंडरफुल। सो नवनीत जी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया टुडे? When a lot of people from different parts of the world are here, I would say that this is more than a coincidence that WCO-CA is happening in India, and India has also taken the leadership of G20 absolutely at the right time, because the world needs India as lot more at this point in time than any point in time in history. I strongly believe we are creating an economic miracle which is unparalleled in human history.
India is creating an economic miracle which is unparalleled in human history. Why I say that, it's not about going from $3 trillion to 5 to 7 to 10, and by 2047 Nilesh Bhai will be $20 trillion as per whatever expectations your committee and other people have put in. It's not about that. It's not about our per capita GDP going from $2,000 to $4,000 to $6,000. It's not about our market cap reaching among the top 3 or 4 countries in the world, but it's about a different growth model than any other part of the world. This growth, as India transforms from an emerging country to an emerged country, India, this will be a lot more sustainable, lot more democratic, lot more equitable, and lot more inclusive. That makes all the difference about India's growth story than any other part of the story. Not only need India to be a trustworthy and a reliable factory of the world, a farm of the world, and a front office of the world, and particularly in the third front office, the CA community will play a very big role. Ooh. To be a global player at a global stage. But also, I think, as I said, that part of that that growth story of the world, and also, I think, as I said, our logo says IISU Sapteshu Jagruti. I think we need to go around the world. This community, I strongly request and go around the world and say that today the world needs us, because we are the one where our ancient wisdom and civilizational heritage taught us Vasudev Kutumbakam. The whole world is one family where people are fighting on war. The Parasparo Graho Jivanam. All life is bound together by mutual support and interdependence. By Bahujan Hutai, Bahujan Sukhai. Whatever we do, it must be for the welfare of many, for the good of many. So for those messages, Asatoma Sadgamay, Tamsoma Jyotirgamay, Mrityorma Amritgamay, we are the ones in this Amritkal, will take the whole world from mortality to the immortality, and these change agents will play a big role in that. Lovely. So, how many of you have read a piece which Navneet sir writes every person of the year? You must read that, and this is my responsibility this time. I'll tweet at the end of the year, and that piece of article is really classic and timeless. I must say, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए. नीलेश भाई, naturally आप chartered accountant हैं, economist नहीं हैं, फिर भी प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में आपकी जगह बड़ी मजबूती से है. क्या आप अलग देखते हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आने वाले 25 साल हमारे हैं? सो एक अनिल भाई, अगर मैं इस ऑडियंस में पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल नहीं भरा है? नहीं भरा है? नहीं भरा है. एवरीवन, आई एम श्योर मुश्किल से किसी ने हाथ ऊपर किया है. अगर यही चीज मैं अमेरिका में पूछता तो 1/6 ऑफ ऑडियंस वुड हैव रेज्ड देयर हैंड और कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है. वाओ. द बेस्ट पार्ट इज आई कैन सी हियर जितने हमारे एक सारे कैमरामैन्स हैं, ये भी ताली बजा रहे हैं. तो इससे आप सेंस ले सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो वेल्थ आ रही है सिर्फ टॉप पर नहीं है, नीचे तक सर्कुलेट हो रही है. दूसरी चीज अनिल भाई, आज का जो मेरा राज्य है महाराष्ट्र, वो 2005 में इंडिया के बराबर था. सो 2005 में पूरे भारत का जो जीडीपी था वो आज सिर्फ महाराष्ट्र का है. कंबाइंड यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला के 2001 के भारत के बराबर है, और गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका 2000 के भारत के बराबर है. सो 5 राज्य ऐसे हैं जो कल के भारत के बराबर है, और अगर ये सब लोग मिलके काम करते रहे तो आने वाले 15-20 साल में आज के भारत के बराबर हो जाएंगे. क्या बात है. दो और चीज़ें कहना चाहता हूँ जो
जैसे नवनीत ने बताया कि कैसे भारत विश्व में अग्रसर हो रहा है। कोविड क्राइसिस आया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ऐसा पिछला क्राइसिस सबप्राइम क्राइसिस था 2008 में, जब लीमन ब्रदर्स की एक्सपायरी की वजह से सारे देश विदेश में प्रॉब्लम्स हुई थी। सबप्राइम क्राइसिस से कोविड क्राइसिस तक पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसी मेजर इकोनॉमी है जिसने अपना डेट टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव किया है। भारत के कॉर्पोरेट और भारत के लोगों ने अपना डेट कम किया है, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, बट कुल मिला के इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री विच हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स डेट टू जीडीपी रेशो बिटवीन टू क्राइसिस। फाइनली अगर आप आज देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम जनरली टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री क्रिकेटिंग रैंक में आती है, राइट। एंड इसका कुछ कारण ये है कि हमारे प्लेयर आज कंसिस्टेंटली 1, 2, 3 में आते हैं। जैसे सूर्य कुमार यादव नंबर वन बैट्समैन है T20 में, बुमराह टॉप बॉलर है, चेतेश्वर पुजारा टॉप टेस्ट बैट्समैन है। तो जब आपके प्लेयर की रैंक बढ़ती है तो कंट्री की रैंक, टीम की रैंक बढ़ जाती है, राइट। 6 out of top 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर टुडे इन इंडिया। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड मुंबई। अगर हमारे सिटीज़ दुनिया में सबसे तेज ग्रो करेंगे तो अपने आप इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन ही जाएगा। एंड फाइनली आप ये कह सकते हैं कि भाई सिटीज़ है, राज्य है, बट अल्टीमेटली तो कॉर्पोरेट होना चाहिए मार्केट के लिए, राइट। तो हम बहुत फक्र करते हैं अमूल के ऊपर कि ये भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है। रूरल इंडिया से, इरमा से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके वह भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी चलाते हैं। हम फक्र करते हैं कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज़्यादा टर्नओवर करते हैं। इस साल अनिल भाई में उनकी बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उन्होंने निशान लगाया है 2047 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फूड कंपनी बन जाएंगे। वाओ, आज इनका टर्नओवर है 61,000 करोड़ रुपए, 2047 में उन्हें 18,00,000 करोड़ टर्नओवर का जिम्मा लिया है। क्या बात, क्या बात। और कोई ये ऐसा बोलता तो हम शायद कहते कि नहीं, ये ख्वाब देख रहा है, बट ये एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत को मिल्क इंपोर्टर से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया है। 1970 में भारत पूरे यूरोप के 16% मिल्क का उत्पादन करता था, आज भारत पूरे यूरोप से 1.5 गुना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है थैंक्स टू अमूल। एब्सोल्युटली। तो अगर मेरी कंपनी दुनिया में नंबर वन बनेगी, मेरे सिटीज दुनिया में नंबर वन बनेंगे, मेरे देश, मेरे राज्य आज के इंडिया के बराबर होंगे, तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत कहाँ रहती है। एक ही ज़रूरत है, अमूल का IPO लाइए, लिस्टिंग करवाइए। मधु सर, इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और ज़्यादातर 40, 45, 50 प्लस एज वाले काफ़ी हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो तो ठीक है, बट वो लोग सोचते कि हम लेट हो गए। अब लाइफ टाइम हाइपर मार्केट से इकोनॉमी इतनी ग्रो हो गई, हमने तो पहले 10 साल 15 साल पहले सोचा नहीं था कि ये सब होगा। क्या वाकई में वो लोग लेट हैं या अभी ये सिर्फ शुरुआत है? मतलब 3 घंटे की मूवी, हम कहाँ पहुँचे हैं? इंटरवेल के पहले हैं, इंटरवेल के बाद ही, अभी तो खाली नाम आना शुरू हुए शुरुआत वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू द CA इंस्टीट्यूट फॉर हैविंग मी हियर। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके।
अनिल जी, जैसे नवनीत और नीलेश भाई ने बोला, बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन कि हम लेट हो गए हैं क्या, मेरे भी दो तीन इंडिया के लिए एक पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगा. इट इज़ नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, राइट. मुझे याद है जब हम स्टॉक मार्केट में आए थे तो इंडिया एक्चुअली G20 में घुसने के लिए स्ट्रगल कर रहा था. एब्सोल्युटली राइट. राइट. और आप देखो, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर G20 के चीफ है. एब्सोल्युटली राइट. अगर आप देखेगा कि ये 25 साल में कितना बड़ा बदलाव है कि एक इंडियन बॉर्न लीडर इज नाउ लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, राइट. अगर इंडिया का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस आप देखिए, आज अमेरिका स्टेज पे जाके बोल रहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, और रशिया भी तारीफ कर रहा है कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, राइट. और इट इज सच ए पिक्यूलर थिंग कि वो आपस में लड़ रहे हैं और वो दोनों बोल रहे हैं कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, राइट. सो इन अ वे नॉट ओनली वी एज इंडियंस आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया हमारा इम्पोर्टेंस एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रही है. Absolutely. और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच इज लीडिंग टूवर्ड्स इट, एंड आई एम श्योर द रियली द बेस्ट इज येट टू कम. नाउ कमिंग टू मार्केट्स, तो मैं दो तीन डेटा पॉइंट बोलता हूँ अनिल जी. जैसे आपने बोला आई ओनली वर्क ऑन डेटा, हमको 30 साल लगा फ्रॉम 3 ट्रिलियन, फ्रॉम 300 बिलियन टू 3 ट्रिलियन. और 30 साल में, बिकॉज मेरी भी जर्नी यहाँ 30 साल की है लगभग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 30 साल लगा हमको फ्रॉम 91-92 टिल 2021-22 वी आर $3 trillion. अभी आज लेट से लीडिंग इंडस्ट्रीज गौतम भाई बोल के गए कि हम 30 ट्रिलियन हो जाएंगे बाय 2050. राइट. राइट. चलो गौतम भाई थोड़े कम ज़्यादा हो जाएंगे, बट ये तो डायरेक्शन क्लियर है, राइट. डायरेक्शन साफ है. हाँ, 2050 में होंगे या 2048 में होंगे या 2052 में होंगे, बट डायरेक्शन क्लियर है, राइट. तो जब हम 30 ट्रिलियन डॉलर करने वाले हैं GDP का साइज, ऑफ कोर्स आज जब अमेरिकन मार्केट $25 trillion GDP है और करीब $45-50 trillion का मार्केट कैप है, तो आप खुद ही गुणा बात कर लीजिए कि कितना मूवी अभी गई है और कितनी अभी और बाकी है, राइट. तो मैं बोल रहा हूँ हमको लगभग 5000 साल लग गया टू रीच टू 3 ट्रिलियन, राइट. जब से भी आप इंडिया का इतिहास देख लो, हम वहाँ से अभी तक 3 ट्रिलियन पे आए मार्केट कैप पे. पर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगले 30 साल के अंदर ये तीन वाला अभी 30, 40, 45, 50 जो भी कुछ होना है, राइट. तो अभी ट्रेलर कहाँ चालू हुआ है अनिल भाई? अभी तो मूवी की बात ही कहाँ कर रहे हैं अपन. पर इसमें भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इकोनॉमी एक है पर स्टॉक मार्केट एक अलग एनिमल है ना. एक हमारे अनुभव से हम जानते हैं, हमको ये पता है कि ये 3 का 30 भी होने वाला है, 3 का 10 भी होने वाला है, पर इसमें बीच बीच में झटके आते रहेंगे. द क्वेश्चन इज कि आप कितनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठ सकते हो, आप कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके बैठ सकते हो, और जब कभी भी वो जर्क आए, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट, ये होने वाला ही है. ये कोई राम राज्य नहीं है कि एक साइड चलता रहेगा. वो जब भी कभी जर्क आए तो उस समय ये सब तेजी की बातें याद रखनी है कि बस ये तो बड़ा अच्छा फ्यूचर है इंडिया का, और कभी भी कोई करेक्शन मार्केट जब देती है तो हमको उसको पार्टिसिपेट करके उस पर कैपिटलाइज करना है. तो मुझे लगता है अनिल भाई भी बहुत लंबा टाइम बाकी. आप कह रहे हैं मधु भाई कि आपने 30 साल की आपकी जर्नी में 300 बिलियन से 3 ट्रिलियन की यात्रा देखी. एग्जैक्टली है ना. लेकिन 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन जब पहुंचेंगे तो पहले जो जितने पैसे बने उससे बहुत ज्यादा बनेंगे, ऐसे कई गुना ज्यादा बनेंगे ना अनिल भाई. क्योंकि 30 से 30 ट्रिलियन या 40 ट्रिलियन होने वाला है मार्केट कैप, तो आप खुद ही देख लो ना कि कितना पैसा बना है अभी तक के और कितना अभी बनना बाकी है. आपको याद है जब आप ही मेरा इंटरव्यू करते थे, जब इंडेक्स हमारा 5000-6000 होता था, उस समय हम आके बोलते कि कभी 30000 हो जाएगा,
तो आप तीन बार मुझे पूछते थे, बराबर बोल रहे हो ना मधु भाई, 30,000 बोल रहे हो ना, शायद 30,000 का 60,000 हो गया है और अभी भी हम बोल रहे हैं कि ये शुरुआत है। और शायद आपका पहला फंड था जिसकी 10 रुपए की एनी भी 1,000 रुपए तक। एग्जैक्टली राइट, 100 गुना कितने सालों में? 17 साल में। ये कमाल है। और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, उसके अमर अकबर एंथोनी आपके सामने है। यही बना के देंगे पैसा, यही बना के देंगे। कई बार हम लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंट रहना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट रहना शायद थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो नवनीत जी, कहीं कोई ऐसा तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और कुछ गलत ना हो जाए उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं? वी हैव स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, वी हैव द डेमोक्रेसी, वी हैव डेमोग्राफिक्स, वी हैव डिमांड, वी हैव डिजिटलाइजेशन एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अ बिलियन इंडियन दैट दिस टाइम इज आर्स एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। I mean, as Sir Victor Hugo said, no power on earth can stop an idea whose time has come. Our time has come, but I think you rightly pointed, Anil ji, बहुत सही बोला आपने। और मार्केट में भी आप देखते हो, कई कंपनियों की हिस्ट्री आपने देखी है, कई लोगों के इंडिविजुअल्स एज अ प्रोफेशनल करियर यू हैव सीन। वेन एवर वी गेट कम्प्लेसेंट, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द बेस्ट पीरियड, सो वी शुड नॉट गेट कम्प्लेसेंट। जो हम बात करते हैं कि टॉप 2 टॉप 3 में हमारी इकोनॉमी होगी आने वाले 5-10 सालों में, जब भी मधु भाई, लेकिन अभी तक तो ऐसा कहीं लगता नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियां हैं जो टॉप 10 में भी आने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल 15 साल 25 साल में वर्ल्ड में जो वर्ल्ड में टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें हिंदुस्तान की कंपनियां दिखेगी आपको, इतनी बड़ी कंपनियां होंगी हमारे यहाँ? दिस इंडियन ड्रीम विच यू आर लुकिंग ओवर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, we will see not one, maybe couple of corporates of India being one of the leading corporates in the world. I have no doubt in that. Absolutely. Anil bhai, एक इंडियन कंपनी है जिसने पोर्चुगल और अर्जेंटीना उनको स्पॉन्सर किया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। हमारा तो कोई प्लेयर वहाँ पर खेल नहीं रहा, राइट, बट फिर भी इस कंपनी ने उन दो देशों की टीम को स्पॉन्सर किया है। इनफैक्ट इंडियंस हैव स्टार्टेड ओनिंग कंपनीज और फुटबॉल क्लब्स आउटसाइड। एब्सोल्युटली। वन मोर थिंग अनिल भाई, यू नो अगेन आई जस्ट होप, बिकॉज नीलेश आर हैज सिट ऑन द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड बोर्ड, ऑन द डोमेस्टिक साइड वी आर वन ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ द फीफा कप, स्पॉन्सर मीनिंग लाइक द ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सर, आई जस्ट होप ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर, आई जस्ट होप वन डे इन द वर्ल्ड वी पुट इंडियाज म्यूचुअल फंड सही है। वाह, इंडियाज जर्नी इज जस्ट बिगन, प्लान योर ट्रेवल, बुक योर टिकट, बोर्ड द फ्लाइट, ऑक्यूपाई द सीट, फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर जस्ट रेडी टू टेक ऑफ। दिस इज द स्टोरी अनिल भाई, गो टू स्लीप बिकॉज पायलट्स आर फ्लाइंग इट प्रॉपरली। एब्सोल्युटली, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई पायलट्स, एंड आई जस्ट सेड दैट ऐसी टीम है, ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। सो आई एम श्योर जर्नी माइट सी लिटिल बिट ऑफ टर्बुलेंस, बट यू नो वेयर टू रीच एंड हाउ टू रीच, सो आई एम श्योर यू विल हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस हियरिंग, एंड आई एम श्योर यू विल बी ए पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी विच इंडिया इज गोइंग टू सी इन नियर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट नीलेश भाई, नवनीत जी, मधु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।